नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर कमिश्नर और डीआईजी ने औचक निरीक्षण किया है। दरअसल मुबारकपुर चकसिट्ठी नयापुरा में पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, हालांकि अब वह सभी मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने बताया कि उन लोगों के 21 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 21 दिन पूरे होने के बाद हॉट स्पॉट एरिया को नॉर्मल लॉकडाउन में बदल दिया जाएगा, लेकिन सतर्कता और सावधानी पूरी तरह से बरती जाएगी ताकि लोग निश्चिंत ना हो जाएं। वहीं थर्मल स्कैनिंग और सैंपलिंग का कार्य भी लगातार जारी रहेगा। आगे कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने बताया कि जो लोग भी बाहर से ट्रेन और बसों से आ रहे हैं, उनकी भी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और जो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उन्हें फौरन क्वारंटाइन किया जा रहा है, और जो लोग पैदल सड़क मार्ग से चोरी चुपके आ रहे हैं उन लोगों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं, तथा साथ ही गांव में प्रधान से फीडबैक भी लिया जा रहा है कि ऐसे कितने लोग बाहर से आए हैं। उन सभी का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, यदि उनके अंदर कोई लक्षण पाया जाता है तो उनकी सैंपलिंग कराकर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि लॉकडाउन 3 चल रहा है, जो भी सरकार की नई गाइडलाइन आ रही है उनका अनुपालन करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। हम लोग लगातार स्वयं जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने का काम कर रहे हैं। वहीं मुबारकपुर बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायत मीडिया कर्मियों के द्वारा हमें पता चली है, इसकी भी समीक्षा करके संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। इसके बाद तत्काल सदर तहसीलदार और सीओ सदर अकमल खान व थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा अपने दलबल के साथ बैंकों का निरीक्षण करने पहुंच गए और बैंक कर्मियों को निर्देशित किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सही ढंग से कराएं। जो एक पॉजिटिव केस मिला हुआ था वो निगेटिव हो गया है और उसके बाद का भी 21 दिन भी पूरे होने जा रहे हैं, तो इसको आप नॉर्मल ही यहाँ पर रहेगा, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी बरती जाएगी ताकि जो है बाद में भी लोग जो है एकदम निश्चित ना हो जाए। और सैंपलिंग का काम लगातार जारी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग कराई जाएगी और ये भी सर्वेक्षण हमेशा कराया जाएगा। हमारे आशाएँ और ANM और जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं कि कहीं कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, और जैसे भी इसकी सूचना प्राप्त होगी तो तत्काल उनकी सैंपलिंग कराएगी। ये चीज़ बड़ी दिक्कत सामने कुछ दिनों से आ रही है, जैसा कि आपको बताने की सराय का केस आया कि बाहर से लोग आ रहे हैं और बहुत संख्या में मजदूर जो ट्रकों से आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पैदल घर को आ रहे हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इस पर क्या प्रोसेस है? हाँ, ये जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे जो लोग ट्रेन या बस से आ रहे हैं उनकी तो प्रॉपर वो की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, और जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है उसे अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया जा रहा है, और जो संदिग्ध नहीं है उन्हें घरों में क्वारंटाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है, और लगातार उन पर सतर्क दृष्टि भी रखी जा रही है कि वो प्रॉपर ढंग से क्वारंटाइन हो रहे हैं कि नहीं, और उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग भी कराई जा रही है। जहाँ तक ये बात है कि जो लोग सड़क मार्ग से या चोरी छिपे आ जा रहे हैं, इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे ANMs आशाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उन पर वो सतर्क दृष्टि रख रही हैं, और ग्राम प्रधान से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि ऐसे कितने लोग आए हैं और उनका सर्वेक्षण कराकर यदि उनके अंदर कोई लक्षण है तो उनकी सैंपलिंग कराई जा रही है, और सभी को होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है, और इस पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है कि वो प्रॉपर ढंग से होम क्वारंटाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी एक समस्या हमको मुबारकपुर शहर में देखने मिले बैंकों की, नहीं ऐसी आप समस्या बता रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के नॉलेज में ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी, क्योंकि आजमगढ़ शहर में हम लोगों ने खुद ही कई बैंकों का निरीक्षण किया था, वहाँ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और लोगों का प्रॉपर काम भी हो रहा है। आप जो बता रहे हैं इसके हम लोग फिर से दिखवा लेते हैं, या कहीं कहीं कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसका निराकरण के लॉकडाउन भाग 3 जो इस समय प्रभावी चल रहा है, हर भाग में अलग अलग तरीके से कुछ कुछ लिबर्टीज दी गई, उस कड़ी में पुलिस कर्मियों को लगातार हम लोग मौके पर जाकर उनको ब्रीफ कर रहे हैं, जो भी नई गाइडलाइंस आती हैं उनका अनुपालन करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। इस कड़ी में जब भी स्वाभाविक है नई गाइडलाइन आती हैं, जब तक वो पूरी तरह से उन तक कम्युनिकेट होती हैं, थोड़ा सा बीच में कभी कभी ऐसी संक्रमणकालीन स्थितियां आती हैं जिसमें पूरी तरह से दिशा निर्देश जमीनी रूप में नहीं उतर पाते, हम लोग लगातार उसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आयुक्त महोदया के साथ मैं स्वयं भी मौके पर जा कर के वहाँ पर
जहाँ भी पिकेट्स की ड्यूटीज हैं, बैरियर ड्यूटीज हैं, या बैंक या कोटे की दुकानों पर जहाँ भी पुलिस की ड्यूटीज हैं, जहाँ भी भीड़ है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की या लॉकडाउन के नॉर्म्स की पूरी तरह अनुपालित कराए जाने की आवश्यकता है, मौके पर जाकर हम लोग उसको अपनी तरीके से इंश्योर कराते हैं। जहाँ ऐसी कमियाँ होंगी उनकी समीक्षा करके आगे भी हम लोग प्रॉपर कार्रवाई अनुपालित कराएंगे। सर मुबारकपुर कई सभी लोग जान रहे हैं कि अब हमारे सामने मुख्य रूप से जो चुनौती इस समय है वो बैंकों में, सुविधा केंद्रों में, इसके साथ साथ सब्जी मंडियों में आने वाली भीड़ को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म में रखना है। निश्चित रूप से इस चैलेंज में अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक देखा है पुलिस को काफ़ी तत्परता से कार्य करते हुए पाया है। कुछ शिकायतें जो मुबारकपुर को लेकर आप लोगों ने बताई है, आयुक्त महोदय के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, हम लोग उसकी भी समीक्षा करके और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित करके उसको भी ग्राउंड लेवल पर आगे से इंश्योर कराएंगे ताकि किसी प्रकार की शिकायतें न रहें।